मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत हमें इक्वल शेयरिंग नहीं समझती, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फीमेल ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में या उनको किसी भी तरीके से वर्कफोर्स में लाने में या उनको एक पाल शहरी बनाने में। पाकिस्तान या दुनिया के अंदर खवातीन को लीडरशिप रोल्स के अंदर आने के लिए रुकावटें ज्यादा हैं, उनको ज्यादा हर्डल्स अबूर करने पड़ते हैं। जो एक्सेस चाहिए होता है आपको जिस तरह का इस फील्ड के अंदर उभरने के लिए, उसमें आदमियों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। जो आपने दोस्तियां करनी है, आपने बॉन्डिंग करनी है, रात को लेट बैठ कर आप गप्पे मार रहे हैं, पोलिटिकल आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां जो बॉन्ड्स बनते हैं, वहां जो फ्रेंडशिप्स बनती है, वो ट्रांसलेट होती है आपके एक सोशल कैपिटल के अंदर जो आपको हेल्प करता है। आई थिंक रेगुलेशन वो होगा जो इंडस्ट्री अपने आप को खुद सेल्फ अकाउंटेबल करके, अपनी गलतियां दुरुस्त करके, अपने चेक एंड बैलेंस के मैकेनिज्म्स बनाए। जो हमारी सहाफत है वो यही इसी पे रह गई है कि खबर कहाँ से आ रही और क्यों आ रही। अब हम खबर के पीछे नहीं जाते, अब खबर हमारे पीछे दौड़ के आती जब है। भी खबर खुद चल के तुम्हारे पास आ रही है ना, तो समझ लेना वहां कहीं गड़बड़ है। ज्यादातर मीडिया की आजादी या मीडिया के अंदर बात कहने की जो स्पेस है वो श्रिंक होती है जब जब सेम पेज, सेम पेज का सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज मीडिया हो। प्रोटेक्ट क्या करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, मतलब रियासत हमें प्रोटेक्ट करती है। अब तो लग रहा है वो सूरत हाल आ रही है जहाँ पे रियासत की तरफ हम प्रोटेक्शन के लिए नहीं देख सकते हैं। एआई के ऊपर अगर आप टेलीविजन में एज ऑफ नाउ खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया के हाल से बात करें तो इमीडिएटली मुझे कोई इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है जो एक बस पे बैठना था साउथ एशिया की टेक टैलेंट पूल की बस थी, उसमें हम मिस कर गए। अब हम पीछे एक रिक्शे में बैठे हुए, सोशल मीडिया से हम घबराते क्यों? इंसानों की ही बनाई हुई एक टूल है, इंसानों का ही बनाया हुआ एक चीज है, तो हम अपनी ही बनाई हुई चीज से ज्यादा खौफजदा हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट पाकिस्तान की हम सोसाइटी का हिस्सा है, जहाँ पे सुबह बच्चे छोटी उम्र से ही, लड़कियां 8-9 साल से, उनको महसूस हो जाता है कि दे आर डिफरेंट। देखिए सबसे पहले तो रियासत को फैसला करना पड़ेगा ना कि क्या उसने खवातीन को इक्वल हक देनी है या नहीं देने। रियासत एक दफा तय कर लेगी, वो कानून साजी करके उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो फिर खवातीन ऑटोमेटिकली अपने आप को महफूज करेगी। Hello and welcome to SOT Talkies. Christine Annapour once said, "The truth is, women journalists are not just changing the news, they are changing the world." And today, we have one such woman journalist with us as our guest on this show today, Maria Maimon. Maria, kaisi hain aap? Theek thaak, Allah ka shukr. Thank you for inviting me. Thank you for taking out time on a Saturday for us. Topic pe seedha aa jaate hain because time, I know aapke paas kam hai, aapka show bhi hai. So, you started off as a reporter, and now you are one of the prime anchors of this country when it comes to program anchoring. So, overall, ye journey kaisi rahi? Aur hum agar isko kahein ki kya kya ek challenges hote hain for a newbie, and when it comes to women in media, unke challenges tenfold badh jate hain. So, overall, ab kis tarah se encapsulate karte hain apni journey ko and challenges that women face in Pakistani media? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मेरा जूनियर कोऑर्डिनेटर के तौर पे आगाज हुआ था, रिपोर्टर भी नहीं। आई वाज अ कोऑर्डिनेटर फॉर अ शो फॉर जियो इंग्लिश, और फिर वो जियो इंग्लिश लॉन्च भी नहीं हुआ और मुझे लगता था कि मेरा करियर यहीं टैग कर जाएगा और मेरा तो कुछ बनेगा ही नहीं, और जब नौकरियां चली जाएंगी अब हम क्या करेंगे इसके बाद। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ बिगर प्लान, द यूनिवर्स हैज अ प्लान फॉर यू, और उसकी मैं जीती जागती मिसाल हूँ। खवातीन जब हम 2009 में जब हम लोग आए थे, तो उससे पहले ही हमारे लिए काफी स्पेस क्रिएट कर गई थी जो 2002 के वक्त इंडक्ट होने वाली खवातीन थी टेलीविजन न्यूज के अंदर। और उससे पहले हमारे ख्याल में नहीं था कि खवातीन मीडिया में आ भी सकती हैं। निदा समीर हो गई, या उस जमाने में आसमा शिराजी इवन, जो जिन्होंने आगाज लिया, तो जब हमने उनको देखा तो हमें पता चला कि ओ के ये भी एक बड़ी एक पॉसिबिलिटी है कि आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, आप टेलीविजन के ऊपर आ सकते हैं। सो हमारे आने से पहले काफी ज्यादा स्पेस जो थी वो खवातीन बना चुकी थी मीडिया के अंदर। लेकिन क्या वो काफी स्पेस थी? हरगिज नहीं, उसकी हमेशा गुंजाइश रहती है, गुंजाइश थी। 2009 के बाद अगर हम देखें तो एक नई जो लौट है जब सहाफियों की आई, तो उसमें खवातीन की तादाद पहले से भी ज्यादा हो गई। अब खवातीन हमसे भी ज्यादा बड़ी तादाद में आ रही हैं, जो अब जो नई जनरेशन है उसके अंदर। सो हमेशा ये चीज ऐसी होती है कि जिसमें आप इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो चैलेंजेस तो हमेशा वही होते हैं जो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर खवातीन के लिए होते हैं। मीडिया कोई कटाफटा तो है नहीं हमारी सोसाइटी से। वही बात है कि यहाँ पर आपको रुकावटें भी हैं आपके लिए, यहाँ पे कदम कदम पे चैलेंजेस भी हैं, आपकी जेंडर की वजह से एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक एडेड हर्डल भी है। तो जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस होते हैं, वो किसी भी और फील्ड के अंदर हो, चाहे कोई डॉक्टर है, टीचर है, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मोर और लेस आई थिंक वही चैलेंजेस है। लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा फिजिकल विजिबिलिटी हमारी ज्यादा है, तो लगता है कि जैसे हम हमारे ऊपर स्पॉटलाइट ज्यादा है, हमारी जर्नी थोड़ी डॉक्यूमेंटेड ज्यादा है, तो शायद हमारे चैलेंजेस और हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमारे जो भी इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो उतार है चढ़ाव है, वो सारे ज्यादा विजिबल हो जाते हैं।
आपने बताया कि आप लोगों की जर्नी अब डॉक्यूमेंटेड ज्यादा है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि लीडरशिप रोल में हमें खवातीन बहुत कम नजर आती हैं। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डेटा राइट नाउ, बट लास्ट ईयर तक पाकिस्तान में सिर्फ एक या दो ब्यूरो चीफ्स थी खवातीन, उनमें से एक कोयटा में थी। इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी कि कोयटा में एक खातून ब्यूरो चीफ थी। सो इसकी क्या वजह है कि खवातीन लीडरशिप रोल्स में हमें मीडिया में बहुत कम नजर आती हैं? एंड सेकेंडली, क्या किया जा सकता है इस चीज को चेंज करने के लिए? क्या लेट्स से बेबी स्टेप्स भी क्या लिए जा सकते हैं इसके लिए? अच्छा, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जाहिर सी बात है, वैसे ही पाकिस्तान या दुनिया के अंदर खवातीन को लीडरशिप रोल्स के अंदर आने के लिए रुकावटें ज्यादा हैं, उनको ज्यादा हर्डल्स अबूर करने पड़ते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपको तो शुरू से ही, चाहे आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ऐसा ही हर फील्ड में है, इंक्लूडिंग मीडिया। तो उसके दो एस्पेक्ट्स है। एक तो जाहिर सी बात है, सोसाइटी के अंदर आपके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट अगर होती भी हैं तो उनमें आदमियों को प्रेफर किया जाता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी कि खवातीन भी ज्यादा एम्बिशियस नहीं है। मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं अपनी एग्जाम्पल दूंगी। आई थिंक मैं 15 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, आई एम प्रीटी मच एस्टेब्लिश। लेकिन क्या मैं कोई लीडरशिप रोल के अंदर जाना चाहती हूँ? नहीं, बिकॉज उसका जो टाइम है, उसकी जो कमिटमेंट है, उसकी जो मेंटल बैंडविड्थ है, वो दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वॉन्ट इन माई लाइफ। सो अगर आज मुझे कोई कहे भी कि आप ब्यूरो चीफ बन जाए, या आप जो है चैनल में किसी प्रोग्रामिंग या न्यूज हेड, या इवेंचुअली यही जर्नी होती है ना, तो क्या आप वो करना चाहेंगी? आई डोंट थिंक सो। मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, इवन दो कि मेरे पास तो कोई फैमिली की रुकावटें भी नहीं है। मेरे मैं एम्पावर्ड हूँ, हर लिहाज से फैसला साजी में खुद मुख्तार हूँ। सो शायद एम्बिशन की भी कमी है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही, तो डोंट आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट। लेकिन साथ साथ ऑफकोर्स रुकावटें भी हैं। फिर इसके अलावा जो एक्सेस चाहिए होता है आपको जिस तरह का इस फील्ड के अंदर उभरने के लिए, उसमें आदमियों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। जो आपने दोस्तियां करनी है, आपने बॉन्डिंग करनी है, रात को लेट बैठ कर आप गप्पे मार रहे हैं, पोलिटिकल आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां जो बॉन्ड्स बनते हैं, वहां जो फ्रेंडशिप्स बनती हैं, वो ट्रांसलेट होती हैं आपके एक सोशल कैपिटल के अंदर, जो आपको हेल्प करता है। तो आई थिंक एक आदमी को ये फायदा है कि वो रात को 11, 12, 1, 2 बजे कभी भी जाकर किसी के साथ भी हैंग आउट कर सकता है, सोशलाइज कर सकता है। खवातीन वो नहीं कर सकती है। और फिर वो ट्रांसलेट होता है एक्सेस में, और फिर वो ट्रांसलेट होता है आपकी इम्पैक्ट में, और इवेंचुअली आपके पे स्केल में, और ओवरऑल आपके ओवर जो जो आपने ऊपर कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना है उसके अंदर। तो खवातीन को ये डिसएडवांटेज है, ये भी एक हकीकत है। और इस फील्ड के अंदर जिस तरह का 24/7 कमिटमेंट चाहिए, हमेशा यू हैव टू बी कमिटेड टू न्यूज, न्यूज विल नॉट वेट फॉर एनीथिंग, यू विल हैव टू पुट योर लाइफ ऑन होल्ड, यू विल हैव टू पुट योर कमिटमेंट्स ऑन होल्ड, इस तरह की कमिटमेंट मुझे लगता है कि खवातीन शायद बड़ी तादाद पे कर नहीं सकती। कुछ करना नहीं चाहती मेरी जैसी, और शायद कुछ कर भी नहीं पाती अपनी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। चलिए, रिस्ट्रिक्शन से मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, उसे कहते हैं सेंसरशिप और रेगुलेशन। एक तो मैं समझना चाहूँगा इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। मेरी समझ तो ये कि सेंसरशिप वो चीज़ है कि जो आपको पता नहीं होता, और रेगुलेशन वो चीज़ है जो आपको पता होता है कि ये मेरी हद है, मैंने इसी में रहना है, इससे बाहर जाऊँगा तो वो चीज़। और सेंसरशिप किसी भी वक्त वो कैंची चल सकती है। सो हाउ हैज़ सेंसरशिप अफेक्टेड योर वर्क एज अ जर्नलिस्ट? एंड कोई आप एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि किस तरह से जो रेगुलेशंस हैं आपको फेस फील होती हैं कि उनसे आपका काम जो है वो इफेक्ट हो रहा है? आई थिंक रेगुलेशन की बड़ी एक आसान, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो वो होगा जो इंडस्ट्री अपने आप को खुद सेल्फ अकाउंटेबल करके, अपनी गलतियां दुरुस्त करके, अपने लिए चेक एंड बैलेंस के मैकेनिज्म्स बनाए। आई थिंक दैट इज व्हाट आई कॉल रेगुलेशन। रेगुलेशन वो भी होगी कि अगर हुकूमत किसी एक पैराए के अंदर कानून साजी करे, जिसके अंदर ना सिर्फ कि आपको सर्टन तरीके से कुछ हदूदो कयूद के अंदर रखा जाए, लेकिन साथ साथ आपकी अपनी जो शख्सी आजादी या आजादी राय है उसको भी तहफुज दिया जाए। सो अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टेट रेगुलेशन की बात करते हैं, तो हम उसमें शख्सी आजादी की स्पेस नहीं देखते, उस हवाले से कानून साजी नहीं देखते। ज्यादातर हम रोकने टोकने और मखसूस सियासी मकासद के लिए लोगों की आवाज बंद करने के ऊपर फोकस करते हैं। जो रेगुलेशन की कमी है वो ये है मीडिया के अंदर, और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी खुद भी गलती है। जब आप वो अपनी सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स इन प्लेस नहीं रखते, तो फिर कोई बाहर से आके उसको ठीक कर देता है। इसकी जमहूरियत की सी एग्जाम्पल, अगर आप पार्टियां अपने आप को जमहूरी तौर पर फिक्स नहीं करेंगी, तो फिर वो स्पेस लूज करती है, कोई और आके उस स्पेस को फिल कर देता है, और फिर आपको बताता है कि असल में ये जमहूरियत। इसी तरीके से मीडिया को भी अब बाहर से बताया जा रहा है कि ये आपके करने के काम थे लेकिन आपने नहीं किए, तो हम अब आके आपको ठीक कर रहे हैं। और इसमें लेकिन जो ठीक करना चाहते हैं
कैपेसिटी उनकी है, हमने देख ही लिया है ना, मजबूरियत को ठीक करने की, ना मीडिया को ठीक करने की, ना किसी भी एस्पेक्ट को ठीक करने। तो रेगुलेशन और सेंसरशिप की वैसे टेक्निकल टर्म्स हैं और बहुत सारी और तरीकेकार हैं उसको एक्सप्लेन करने का, मैं सर इसको थोड़ा आसान कर देती हूँ कि रेगुलेशन की ज्यादातर जिम्मेदारी मीडिया की खुद की भी है, उनको खुद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है। खबरें बाउंस होती हैं तो उस रिपोर्टर को जरूर कहीं ना कहीं जुर्माना या कुछ अरसे के लिए ऑफ एयर कर दें, ताकि जब ऐसी पेनल्टीज होती हों तो वो रिपोर्टर अगली मरतबा सोचेगा ऐसी खबर देने से पहले। और फिर अगेन देखें, एजेंडा सियासी जमातों की तरफ से भी आ रहा होता है, एजेंडा रियासती इदारों की तरफ से भी आ रहा होता है। इवेंचुअली अब जो हमारी सहाफत है वो यही इसी पे रह गई है कि खबर कहाँ से आ रही और क्यों आ रही, कोई दे रहा है। अब हम खबर के पीछे नहीं जाते, अब खबर हमारे पीछे दौड़ के आती है और हम वो खुद चुन लेते हैं कि किन किन सहाफियों को किसने खबर देनी है और फिर वो खबर दे दी जाएगी। तो बड़ा शिफ्ट हुआ है सहाफत के अंदर काफी अरसे में। मैं खुद तो सहाफ़ी नहीं हूँ, बट आई हैव वर्क विद द मीडिया डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर ने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि जब भी खबर खुद चल के तुम्हारे पास आ रही है ना, तो समझ लेना वहाँ कहीं गड़बड़ है। सो इन हालात में, देर आर सो मेनी रेगुलेशंस, किस तरह से नेविगेट फिर किया जा सकता है, जो थोड़ी सी स्पेस बचती है रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान का, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स भी है जैसे आपने खुद बताया, और वो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इन हालात में किस तरह से नेविगेट किया जा सकता है? देखिए उसमें है कि यू पिक एंड चूज योर बैटल्स वाइजली। ये जो स्पेस है ये श्रिंक भी होती है, ये स्पेस एक्सपैंड भी होती है। ज्यादातर मीडिया की आजादी या मीडिया के अंदर बात कहने की जो स्पेस है वो श्रिंक होती है जब जब सेम पेज हो। सेम पेज का सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज मीडिया होता है, चाहे वो इमरान खान साहब का और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज हो, या वो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज लीग का सेम पेज हो। सेम पेज के ऊपर जो है इस बात पे अग्रीमेंट है कि उसमें मीडिया की सबसे ज्यादा शामत आती है। जब सेम पेज नहीं रहता तो बहुत स्पेस बनती है, हमने ये भी देखा है। तो ये स्पेस बनती है, घटती है, फिर कुछ हद से ज्यादा घट जाती है, फिर कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमेशा एक सी नहीं रहती। तो बस आप यू जस्ट पिक एंड चूज योर बैटल्स वाइजली। हर चीज पे, हर टॉपिक के ऊपर अगर आप समझते हैं कि आपके पास कहने की स्पेस नहीं है, तो फिर अगर आप उसके किसी की मंशा, किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं कह सकते, तो फिर अपने आप को भी रोक लीजिए। लेकिन किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप किसी की ख्वाहिश के मुताबिक बयानिया नहीं बना सकते, तो फिर आप उस टॉपिक पे बात ना कीजिए, उस टॉपिक को साइड पे रख दीजिए और किसी और मौजू के ऊपर बात कीजिए। कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ लोग हमने देखा ये भी करते हैं कि उस वक्त खामोश रहते हैं, लेकिन जब हालात थोड़े मवाफिक हो जाएं उसके बाद वो फिर इंकिशाफ करते हैं, उसके बाद वो बातें बताते हैं। सो आई थिंक हर एवरीवन हैज टू फिगर इट आउट देमसेल्व्स। लेकिन बस द पॉइंट इज टू स्टे इन द रेस, टू स्टे अफ्लोट। जगह अपनी पिच नहीं खाली, हिट विकेट नहीं होना जिसे हम अभी कहते हैं, और फिर अपनी स्पेस देखते हुए जब भी आपको लगे कि अब हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं इस वक्त, तो हम कर लेते हैं। हम और कोई कभी लगता है कि हमें थोड़ा रिट्रीट करना चाहिए तो वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है। सो अभी जो करंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सिचुएशन है पाकिस्तान में, या पिछले कई सालों से अगर देखा जाए, हमेशा से अंडर क्वेश्चन ही रहती है, उसके मुताबिक आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और किस तरह से ना सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि एक आम शहरी भी अपना जो फंडामेंटल राइट है, जो कि आईन ने एक तरह से हमें दिया हुआ है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है? आई थिंक दिस शिप हैज सेल्ड। अब तो जो मुल्क के अंदर हो रहा है उसके अंदर ये सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेलिवेंट सवाल अब नहीं बचा है। अब तो देखिए ना, मतलब प्रोटेक्ट क्या करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, मतलब रियासत हमें प्रोटेक्ट करती है। अब तो लग रहा है वो सूरत हाल आ रही है जहाँ पे रियासत की तरफ हम प्रोटेक्शन के लिए नहीं देख सकते हैं। सो आई थिंक लेकिन ये जो आपने बात की कि साफियों के हवाले से जो स्पेस है, इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। 2018 से 2022 तक कुछ सहाफी थे जो जेरे आताब थे, और कुछ सबको बड़े आसानी थी, वो अपनी मर्जी की हर बात कह सकते थे। और उस वक्त जो जेरे आताब थे वो कहा करते थे कि हम जेरे आताब हैं, और जो उस वक्त थ्राइव कर रहे थे वो गैस लाइट किया करते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बात कर रहे हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई मसला नहीं है। और हमने देखा कि टेबल टर्न हो गए हैं, जो पहले जेरे आताब थे अब वो स्पेस है उनके पास बात करने की, और जो पहले खुल के बात किया करते थे अब उनके पास स्पेस नहीं है, अब उनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस है, या अब उनको एक तरीके से विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो जो पहले जेरे आताब रह चुके हैं, जो जानते हैं कि कैसे होता है, अब टेबल टर्न हो गए हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो स्पेस बढ़ गई है, अब तो ऐसी बात ही नहीं है, वो जमाने बहुत बुरे थे, ये जमाना बहुत बेहतर है। सो आई थिंक इसमें सबको ये रियलाइज करना होगा कि वो जमाना शायद आपके लिए बुरा था लेकिन बाकियों के लिए अच्छा था। ये जमाना आपके लिए ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक, उनके लिए ट्रॉमेटिक है। जब तक एक दूसरे की
हम ट्रॉमा को एक्नॉलेज नहीं करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि खाली मेरा ट्रॉमा ही ट्रॉमा नहीं है, औरों का भी के साथ अगर बुरा हुआ है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करना होगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ऑल्सो आई थिंक हर एक का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है. लाइक मैं एक हद तक चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप एक हद तक शायद उससे ज्यादा कर सकते हैं, कोई तीसरा हम सबसे ज्यादा कर सकता है. तो ये इस तरह से जनरलाइज नहीं किया जाता क्योंकि मैंने जो बर्दाश्त किया है वो तो तुमने किया नहीं भाई, आपकी बर्दाश्त ज्यादा थी, मेरी नहीं है, मेरी जल्दी बस हो गई है. एक और ट्रू चैलेंज जो ट्रू इस वक्त मीडिया में है जो नजर आ रहा है, और आज तो उसकी एक और एग्जाम्पल मैंने देखी है कि एक एआई जनरेटेड इमेज बार बार वो चल रही है, वो बगैर चेक किए एआई जनरेटेड है या नहीं. सो इम्पैक्ट ऑफ एआई पिछले 2 साल में, लाइक नवंबर 2022 में आम हुआ था पाकिस्तान के अंदर चैट जीपीटी, उसके बाद से मुझे हर खबर एक जैसी नजर आने लग गई है, मुझे हर आर्टिकल एक जैसा नजर आने लग गया है. सो हाउ डू यू सी द एआई, पर्टिकुलरली जनरेटिव एआई, कि जिसमें हम जनरेट कर सकते हैं चीजें, वो जर्नलिज्म का लैंडस्केप किस तरह से चेंज कर रहा है, इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और कितनी थ्रेट्स हैं? आई थिंक माई जनरेशन द काइंड ऑफ टाइम काइंड ऑफ वर्क आई डू राइट नाउ वो अनअफेक्टेड है एआई से, इस इन द वे कि मेरे काम पे डायरेक्टली एआई असरअंदाज अभी नहीं होगा। क्या इसकी फ्यूचरिस्टिक इसके इम्प्लीकेशंस होंगे? होंगे यकीनन, लेकिन अभी एज वी स्पीक मुझे वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब लोग एआई की जेनरेटेड फेक चीजें जब वो करते हैं, क्या नाम है, सर्कुलेट करते हैं, तो वो तो कोई जेन्युइन चीज भी फेक हो, उसको एडिटेड डॉक्टर्ड करके लोग चला रहे हैं और काफी अरसे से चला रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन तो पुराना मसला है, वो तो लोग कब कब से कर रहे हैं। सो एआई के ऊपर अगर आप टेलीविजन में एज ऑफ नाउ खासतौर पर पाकिस्तानी मीडिया के वाले से बात करें तो इमीडिएटली मुझे कोई इस पर फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो तरीकेकार है अभी हम बहुत सारे मामलों में बहुत कन्वेंशनल है, अभी हमने अडेप्ट नहीं कर रहे, अभी हम जैसे कहते हैं ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि उसकी एटलीस्ट टेलीविजन या जो विजुअल मीडियम है हमारा उस पर कोई फर्क है। जैसे 2 साल में मेरे काम में तरीकेकार में कोई उसके दमल दखल नहीं है, और मैं बड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल टेलीविजन से के बैकग्राउंड से ताल्लुक रख रही रखती हूँ। सो आई डोंट नो, आई प्रॉब्ली नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ए आई हैव अ वेरी लिमिटेड इन्फो, एंड बी आई डोंट हैव अ वेरी आई डोंट हैव अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इट। सो मे बी आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन बेटर लाइक कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ और मे बी अ ईयर। राइट. सो मे बी इसका इम्पैक्ट अभी के लिए हमारे प्रिंट या रिटन मीडिया पे ज्यादा है एज कंपेयर टू टेलीविजन मीडिया फॉर नाउ. टीवी पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसका भी अभी। ठीक है. अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डोंट नॉट नो यू आर एन आईटी ग्रेजुएट, तो क्या यही वजह है कि लेटली आपने कोई लगातार 6 शोज इंटरनेट के हवाले से किए हैं? इट्स इंटरनेट इज अ पेन पॉइंट लेटली, बट उसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि फेब्रवरी के अंदर ट्विटर बैन होता है या एक्स बैन होता है तो भक्ति तौर पर बातचीत होती है, एंड यू वर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर बात की. लेकिन अब जब पॉकेट्स बाकायदा हिट होना शुरू हुई है तो ज्यादा शोर मच रहा है, तो इस सारी ट्रांजिशन को आप किस तरह से देखते हैं? आई थिंक जनरली मैं अलाइन करती हूँ उस मुल्क के जो भी नौजवान सोचते हैं उसके साथ। अब वो सही है वो गलत है, पर जो भी है वो ये एक बड़ी आबादी सोचती है, और उसमें से इंटरनेट एक बहुत अहम इशू है। सिंस आई रिलेटेड टू लाइक आई कैन रिलेट टू लॉट ऑफ यंगर पीपल, आई टॉक टू देम, आई लिसन टू देम, मैं उनसे मिलती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, वो मुझ तक अपना पैसे, वो समझते हैं कि उनकी बात मैं समझती हूँ और मैं उनकी बात टीवी पे कह देती हूँ, तो इसलिए शायद लोग मुझसे बात भी इस हवाले से ज्यादा करते थे। और मुझे लग रहा था कि हर तरफ से लोग मुझे यही कह रहे हैं कि हमारा कारोबार अफेक्ट हो रहा है हमारे कारो, और फिर वो इतना बड़ा एक उसका इम्पैक्ट बना कि यू कैन नॉट नॉट बी मूव्ड बाय इट। और जनरली मैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यकीन भी रखती हूँ कि बात करनी चाहिए, है इंटरनेट फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, हम क्यों पीछे रहे अपने मुल्क को, हमने क्या रिवर्स गियर के अंदर डालना है। और जनरली आई थिंक कि मेरा मुझे शौक है, और मेरा अगर मैं कहें कि मेरी यूएसपी भी ये है कि मैं नौजवानों की और जो मौजूदा नस्ल के बीच में अगर आपने कोई ब्रिज का किरदार अदा करना है तो मैं अपने आप को वहां प्लेस करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को वहां देखती हूँ। दैट्स वाई इंटरनेट, चूंकि यंग लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है, उसके ऊपर ज्यादा बात की है, क्योंकि समहाउ लोग चाहते थे कि कोई, उनको पता था, उन्होंने मुझे कहा कि कोई और बात करे या नहीं करेगा, पता है आप जरूर बात करेंगी, और इवेंचुअली ऐसा ही हुआ। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमारे मुल्क में रहा है कि जब जब जिस जिस चीज पे पाबंदी लगी है उस चीज के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है. मैं सोलली इंटरनेट के हवाले से बात कर रहा हूँ.
मैंने ब्लॉगिंग 2006 में शुरू की थी, और मुझे ब्लॉग का पता चला था जब वो खाकों वाले मसले में पूरी ब्लॉग स्पॉट की डोमेन पाकिस्तान में बैन हो गई थी, और जब वो दोबारा खुली तो मुझे पता चला अच्छा ये कोई चीज़ है, इस पर हम अपने ख्याल लिख सकते हैं। देन आई स्टार्टेड अ ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग बैक इन 2006। 2010 में इसी तरह से ही वो फिर आई थिंक खाकों YouTube. का मसला है तो कुछ था, फेसबुक बैन हुआ एक हफ्ते के लिए, फेसबुक बैन हुआ, और उस वक्त बड़ी एक मखसूस हमारे तबके ने, चले मैं मजहबी तबका कह लेता हूँ, जिसपे जिसमें बड़ा उस टाइम बहुत सही काम है और ये फलाना ढमकाना है, मैं उस वक्त कहता था कि अगर इनको पता चल जाए कि फेसबुक के थ्रू ये तबका अपना पैगाम कितने अच्छे तरीके से आगे पहुंचा सकता है, तो यही उसको सबसे ज्यादा प्रमोट करेगा। 2000 में जब फेसबुक का बैन खत्म होता है, हमने देखा किस तरह से मजहबी तबके ने टेकअप किया फेसबुक को, उसको यूज किया, बहुत सारे उलमा के पेजेस बने एंड ऑल। देन 2012 वाला इंसिडेंट के बजाय इसके कि हम सीरत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री के कंपटीशन करवा के उस वीडियो को नीचे ले जाते, अपने कंटेंट को ऊपर ला के हमने वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही बैन करते। तो जो ट्रेंड है हमारे यहाँ कि एक हाउसिंग सोसाइटी में अगर किसी एक घर में कुछ बुराई हो रही है उसको जाके रोकने के, पूरी हाउसिंग सोसाइटी को बैन करने की, ये कितना हमें डेंट करती है और कितना पीछे लेके जाती है। लाइक अगर हम सिर्फ यूट्यूब की एग्जाम्पल ले लें, जब पाकिस्तान में 2016 में यूट्यूब अनबैन होता है, आज भी लोगों को कॉपीराइट का नहीं पता कि उसको मैंने किस तरह से हैंडल करना है, तो हम तो बाकी दुनिया से उन 4 सालों में शायद 8 साल पीछे चले गए। और बिल्कुल हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे जो भी इंटरनेट से वाबस्ता लोग थे, वो अभी तक उससे रिकवर नहीं कर पाए. और मेरा ख्याल है जो एक बस जिसपे बैठना था, साउथ एशिया की जो टेक टैलेंट पूल की बस थी, उसमें हम मिस कर गए. अब उसमें इंडियंस और बाकी जो और नेशनैलिटी के लोग हैं हमारे इसी खित्ते के, वो उसमें बस में बैठ गए. वो बस बहुत आगे निकल गई है. अब हम पीछे एक रिक्शे में बैठे हुए, और वो रिक्शा जा रहा है, उसके पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस रिक्शे का भी जो है एक पहिया जो है हमने उसको पंक्चर कर दिया है, तो वो रिक्शा भी पता नहीं कैसे रगड़ रगड़ के पहुंचेगा. तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. सब कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बच्चे बदतमीज हैं, बच्चे बच्चों को तमीज आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब ऐसा होगा नहीं, बच्चे तो अब आपको रोनते हुए आगे चले जाएंगे. आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, ये तो नवीशता ही दीवार है, सामने लिखा हुआ है. अब आप उनको इक्विप करना चाहते हैं कि भाई यहाँ मुल्क में बैठ के बजाय इसके कि वो किसी इंतशारी ख्याल के ऊपर जाएं, वो अपना कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, या आप उनसे वो अपॉर्चुनिटी छीनना चाहते हैं ताकि वो 100% उस किसी इंतशारी काम की तरफ जाए. ये तो रियासत की चॉइस है. और रिक्शे रिक्शे बेचारे के साथ ज्यादती ये है कि वो है भी एलपीजी पे, और एलपीजी अक्सर हफ्ते में एक आध दिन बंद होती है कि नहीं मिलती। एंड ऑल्सो आई थिंक वी नीड टू रियलाइज के एवरी कंजर्वेटिव आइडिया वंस अ वेरी लिबरल आइडिया, कि आज जो हमें कंजर्वेटिव आइडियाज लगते हैं, जो कि लगता है कि हमारी वो समझ लें रिवायात बन गई हैं, वो किसी जमाने में तो एक लिबरल आइडिया होगा। लाइक फॉर इन बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बट खुदा का एक होना है वो अ लिबरल आइडिया वंस, जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि कैसे हो सकता है कि खुदा एक ही है। चलें वापस आ जाते हैं। फेक न्यूज कितना बड़ा मसला है, थोड़ा सा हमने इस पे बात भी की, पाकिस्तान के पराहे में कितना बड़ा मसला है, और इसको फिर किस तरह से चेक किया जाता है। कई दफा ऐसा हुआ है कि हम अभी यूके के रॉयट्स की बात कर लेते हैं, उसका सिरा जाके जो है वो लाहौर से निकलता है, तो एक फेक न्यूज ने इतना बड़ा मसला डाल दिया कि लाइक मेरी जो फैमिली यूके में रहती है उनके घर से 6 मिनट की वॉक के ऊपर एक बहुत ही संगीन मामला हो जाता है, और छोटे बच्चों को समझाया भी नहीं जा सकता कि रेसिज्म होता है एक्चुअली क्या है। सो फेक न्यूज़ कितना बड़ा मसला है आज की दुनिया में। बिल्कुल, एक हम इंफॉर्मेशन की जो उसमें एज में रह रहे हैं, और अभी चूंकि हम बड़ी तेजी से इसके अंदर दाखिल हुए हैं, तो उसके अपने कायदे बनाने के लिए हमारे पास अभी कैपेसिटी भी नहीं थी और वक्त भी नहीं था. टेक्नोलॉजी ने जल्दी तरक्की कर ली, सोसाइटी ने उसको पीछे पीछे कैचअप किया. इट वॉज नॉट द अदर वे राउंड. सो जब भी सोशल मीडिया के साथ मुख्तलिफ एप्स आई, हमने देखा कि ये जो इसको इससे जो एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओपिनियन हुआ गाँव में, शहर में, छोटे छोटे घरों में, वो लोग जिनको इंटरनेट के जरिए एक आवाज मिल गई, तो फिर उस आवाज के नतीजे में सोसाइटी को फिर सीखना पड़ा कि आवाज की एक कीमत होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आवाज मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहते हो, उस आवाज को रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल भी करना होता है. तो टेक्नोलॉजी ने पहले तरक्की की, सोसाइटी अब उसको कैचअप कर रही है, और हुकूमतें भी बाद में कैचअप कर रही हैं. बहुत सारी हुकूमतें अब जब उनको इलेक्शंस के अंदर, उनकी जो ओवरऑल पूरे हुकूमत के अंदर, जब सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली खबरों के नतीजे में जब डिसरप्शन शुरू हुई, तो उनको पता चला कि ओह, ये तो बड़ी इंपोर्टेंट फोर्स है. इस साल 64 इलेक्शन हुए हैं पूरी दुनिया में, कुछ हो गए हैं, कुछ होने हैं.
तो उसमें इंटरनेट के और जो सोशल मीडिया के किरदार के ऊपर आप पढ़ लीजिए, पाकिस्तान का इलेक्शन है, बांग्लादेश के अंदर जो म्यूटनी हुई है, सारा कुछ सोशल मीडिया के अंदर नौजवानों ने अब उसको इस्तेमाल करते हुए इफेक्टिवली अपने मकासद हासिल किए हैं। इंग्लैंड के अंदर इंतशारी जो टोला था उसने इसको इस्तेमाल किया है। पॉइंट ये है कि वक्त के साथ साथ जब नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके नतीजे में सोसाइटी जब उसके साथ रुशनास होती है, तो उनको वक्त लगता है सेटल होने। आई एम प्रिटी श्योर के पूरी दुनिया के अंदर जो ज्यादा डेवलप्ड ममालिक हैं, जो अपने सिटीजन्स का ख्याल रखते हुए कानून साजी करते हैं, दे विल फिगर इट आउट। इंग्लैंड में अब ये हुआ है, वो कोशिश करें कि दोबारा ऐसे ना हो, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि उसके नतीजे में उनके शहरियों की शख्सी आजादी मुतासर हो। सो वो दे विल ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, दे विल ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो ये सबके लिए चैलेंज है, खाली पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए चैलेंज है। और मेरे ख्याल है 5, 6, 8, 10 साल के साथ जब नया कल्चर आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, वो पूरी दुनिया को डिसरप्ट करती है, और दुनिया का जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश नॉर्म्स होते हैं, जिनके बेसिस पे कानून होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, उसके बाद लोग नए तौर तरीके बनाते हैं। टेलीविजन आने से पहले घर के अंदर का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ था, टेलीविजन आया तो उसके साथ लिविंग रूम आ गया, टीवी रूम बन गया घरों के अंदर, उससे पहले टीवी रूम नहीं हुआ करता था। टेलीविजन के आने के साथ और वो अपने कल्चरल साथ एस्पेक्ट्स लेके आया, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा होता है। सो आई वुड मैं इतनी परेशान नहीं होंगी इससे। आई थिंक हम एक ट्रांजिशनरी फेज के अंदर हैं, ऐसा होगा, मिसयूज भी होगा, लेकिन वर्ल्ड विल फिगर इट आउट, ह्यूमन काइंड विल फिगर इट आउट। हम सर्वाइवर्स हैं, और हमने दुनिया में इससे कई बड़े बड़े कई सदियों से चैलेंजेस को ओवरकम करके उनको टेम किया है। तो सोशल मीडिया से हम घबराते क्यों? इंसानों की ही बनाई हुई एक टूल है, इंसानों का ही बनाया हुआ एक जो है एक चीज है, तो हम अपनी ही बनाई हुई चीज से ज्यादा खौफजदा हैं, बजाय इसके कि हम इसको कम चैलेंजिंग देखें उन तमाम चीजों से जो हम माजी में जिसको ह्यूमन काइंड जो है डिफीट करती हुई आई है, या उनको टेम करती आई है, या उनका कोई ना कोई तरीकेकार उनको समझने का निकालती आई है। तो मुझे खौफ की वजह समझ में नहीं आती। हाँ, अभी हम बहुत ज्यादा एक डिसरप्टिव फेज से गुजर रहे हैं, बट विल फिगर इट आउट। ह्यूमंस ऑलवेज डू, दैट्स व्हाई वी आर द सर्वाइवर्स, दैट्स व्हाई वी आर हियर ऑन दिस प्लेनेट फॉर सो सो मेनी 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 हंड्रेड हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ ईयर्स। तो अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ तो ये है कि जस्ट द फेक न्यूज़ वाला एलिमेंट वो हमेशा से था और शायद आगे भी रहेगा, एंड वी नीड टू लर्न कि हमने किस तरह से उसे उसको चेक करना है कि क्या फेक है क्या नहीं है, वो हमारी अपनी कॉमन अब सेंस है। टूल्स टूल्स बन जाएंगे, लेकिन पहले लोगों को नहीं पता होता कि एक इमेज ठीक है या नहीं है। फॉरन आप डालते हैं उसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर वो बताते हैं कि जी बैकडेट करके कि ये फलाना इमेज है, तो आप कोई अगर इमेज सर्कुलेट भी करता है, तो उसके 10-15 मिनट के बाद लोगों को पता भी चल जाता है कि अगर फेक है सही है। अब कोई जान के उसको फैलाना चाहे, जान के फेक न्यूज देना चाहे, वो अलहदा बात है, लेकिन उसको पता जरूर होगा कि ये फैक्चुअली करेक्ट बात नहीं है। तो उसके साथ साथ फिर उसके एंटीडोट्स भी ढूंढे जाते हैं ना, जहां पे आपको जब एक वायरस होता है तो फिर एंटीवायरस भी बनाया लोग। तो आई डोंट नो कि व्हाई वी आर सो अफ्रेड। मे बी इसलिए क्योंकि स्टेटस को चैलेंज हो रहा है, पुराने आइडियाज चैलेंज हो रहे हैं। बजाय इसके कि हम इससे खौफजदा हों, हम इसको समझें क्यों ना, हम इसके अंदर जो क्राइम और जो दीगर दूसरे एस्पेक्ट्स के लिए रास्ते खुले हुए, उनको बंद करने के ऊपर फोकस क्यों ना करें, हम पूरी पूरी टेक्नोलॉजी से ही क्यों नाराज हो जाएं। फिर वापस आते हैं ब्रॉडर इंडस्ट्री चैलेंजेस के ऊपर। कैन यू शेयर एनी एथिकल डायलेमा दैट यू हैव इनकाउंटर्ड इन योर करियर एंड हाउ डिड यू हैंडल देम? आई थिंक ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरीज पे हमेशा हमें एथिकल डिलेमा रहता है, खासतौर पे जो खवातीन के ऊपर वायलेंस हो उस पे। उस हवाले से आई थिंक कि हमेशा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल द टाइम कि हम कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, हाउ आर वी साउंडिंग। मुझे याद है मोटरवे रेप केस के ऊपर जब हम रिपोर्ट मैं प्रोग्राम्स करती थी, तो मुझे उस विक्टिम का फीडबैक भी मिलता था। और अब मुझ कुछ अर्से पहले उन विक्टिम ने मुझसे राब्ता भी किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो एंड शी वाज सो हैप्पी दैट द वे आई ट्रीटेड हर स्टोरी, एंड शी वाज क्वाइट एंड शी थैंक्ड मी, एंड शी फेल्ट हर्ड, एंड शी फेल्ट सीन। आई थिंक ये सबसे बड़ा ट्रिकी काम होता है, जहाँ पे आपके बहुत सारे जो आपको इमोशंस एक साइड पे रखने हैं, इमोशंस भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रैशनैलिटी भी रखनी है कि आप इमोशंस पे इतने ना बह जाएं कि आप बिल्कुल रैशनैलिटी को छोड़ दें। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जज्बातियों के बहुत ज्यादा मोनोलॉग्स कर देते हैं, बहुत थिएट्रिक्स करते हैं, वो ठीक है, उनका स्टाइल है, मैं उस पर बिलीव नहीं करती। तो आई थिंक मोर और लेस मुझे जब भी इस तरह की स्टोरीज करनी पड़ती है, तो देन आई जस्ट फील अ लिटिल बिट
काइंड ऑफ टॉर्न इनसाइड कि कहाँ इमोशंस हैं, कहाँ रैशनैलिटी है, इनको कैसे सेपरेट रखना है या कहाँ इनको यकजा करना है. आई थिंक दैट इज अ वेरी थिन लाइन फॉर पीपल लाइक मी. एक और बड़ी इल कह लें, एक बड़ी हकीकत कह लें, वो है वर्क प्लेस हरासमेंट। सो क्या मेजर आपके ख्याल में लिए जा सकते हैं टू मेक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट सेफ फॉर वुमेन इन पाकिस्तान? मीडिया मीडिया को जरा इंग्लिश पे बात कर लेते हैं। देखिए, वर्क प्लेस हरासमेंट पाकिस्तान की हम सोसाइटी का हिस्सा है, जहाँ पे अब सुबह बच्चे छोटी उम्र से ही, लड़कियां 8-9 साल से, उनको महसूस हो जाता है कि दे आर डिफरेंट. द वे वर्ल्ड लुक्स एट देम, द वर्ल्ड वे सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी ट्रीट्स देम और लुक्स एट. सो उसी का शाखसाना है. आप कहीं भी जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, मीडिया उसी का हिस्सा है. लोग बहुत ज्यादा, मीडिया चूंकि ग्लैमर है, विजिबिलिटी है, तो लोग उसको ज्यादा डिस्कस करते हैं, चाहे वो शोबिज हो, चाहे वो न्यूज नेटवर्क. आप पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाए, खवातीन के लिए मुश्किल आता है. और उसके देखिए, सबसे पहले तो रियासत को फैसला करना पड़ेगा ना कि क्या उसने खवातीन को इक्वल हक देने हैं या नहीं देने. रियासत एक दफा तय कर लेगी, वो कानून साजी करके उसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो फिर खवातीन ऑटोमेटिकली अपने आप को महफूज करेगी. फिर जब आप उसका उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. लोग कहते हैं जी कि इसका नीचे से ऊपर इफेक्ट होगा, कि पहले आप नीचे ग्राउंड लेवल के ऊपर सिखाएं तरबियत, और वो ठीक करें सब कुछ, और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम बेहतर करें. ऐसा नहीं है. आई थिंक रियासत को प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि क्या हमारी खवातीन को वर्क प्लेस में आने देना है, क्या हमने उनको फैसिलिटेट करना है या हमने उनकी राह में रुकावटें बिछानी है. फैसिलिटेट करना है तो जी खवातीन के बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, वो हम कैसे सॉल्व करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो उनकी गाड़ियां हैं, जो भी जिस तरीके से आती है, उधर हरेसमेंट होती है, उसको हम कैसे रोकेंगे. वर्क प्लेस पे हरेसमेंट होती है, उसको हम कैसे रोकेंगे. तो ये जब एक दफा रियासत ठान ले कि जी ये काम हमने खवातीन के साथ नहीं होने देना, तो जरूरत नहीं होती ना कि फिर नीचे लोग जो है वो उन उसूलों को ना माने. तो मेरे लिए ये हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा. मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत हमें इक्वल शहरी नहीं समझती, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है फीमेल ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में, या उनको किसी भी तरीके से वर्कफोर्स में लाने में, या उनको एक पाल शहरी बनाने में. वो चाहते हैं कि खवातीन जो है वो बस आए, बस इतनी ना आए कि हमें परेशान करें, या अब आदमियों के बराबर आके उनकी नौकरियां लेने की बात करें, या उनके उनके साथ बराबरी की, इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, बस आ जाएं. हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम एंटी वुमेन नहीं है, लेकिन बस इतनी बड़ी तादाद में ना आए. बॉसेस बन के तो बिल्कुल ना आए, सीईओस बन के तो बिल्कुल भी ना आए. ठीक है, अगर थोड़ी सी ज्यादा फिजिकल किसी सॉरी ये ज्यादा जो किसी ऐसी फील्ड में है जो बहुत ज्यादा इट्स इज वेरी आउट देयर, जो तो वो भी बस एक हद तक आए, और सर्टेन नॉर्म्स के अंदर, सर्टेन असूलों के अंदर, एक अच्छी औरत के रूप के अंदर आए. तो आई थिंक इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द यू नो स्टेट. The state has to take the first step. राइट, आखिरी मुश्किल सवाल, उसके बाद मैं एक लाइट हार्टेड क्वेश्चन पूछूंगा, फिर उसको रैप अप करते हैं। हमने ये भी देखा है कि आपने, यू वर्क विद CNN इन अ डिफरेंट कैपेसिटी, आपने US में एक डॉक्यूमेंट्री पे भी काम किया था, पाकिस्तान में भी आप दो बड़े नेटवर्क्स के साथ रहे। हैव यू एवर फेस डिस्क्रिमिनेशन इन योर करियर, और किस तरह से इंडस्ट्री एड्रेस कर सकती है इन इशूज को जो कि जेंडर, एथनिसिटी या सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बुनियादी डिस्क्रिमिनेशन होती हैं? एंड वॉज दैट डॉक्यूमेंट्री वन ऑफ योर फेवरेट प्रोजेक्ट्स? आप बताना चाहेंगे आपका फेवरेट प्रोजेक्ट अब तक का कौन सा है? अच्छा, उसमें देखिए इन स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा मेरा जेंडर मेरा फायदा भी था, और एक आगे जाके उसकी चैलेंजेस भी थे. फॉर एग्जांपल, जब मुझे रिपोर्टर से एंकर बनना था, तो उनको फीमेल एंकर की जरूरत. देयर माई जेंडर हेल्प मी, दे वर नॉट लुकिंग फॉर अ मेल एंकर एट दैट टाइम. एंड बीइंग अ फीमेल एंकर वे बैक इन जियो, फीमेल एंकर्स वर पेड मोर देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स. ये एक वाहिद फील्ड थी जहां पर खवातीन जो फीमेल एंकर्स हैं उनकी तनख्वाह अपने मेल को एंकर्स के साथ साथ बैठे हुए ज्यादा होती. और बहुत कम फील्ड्स ऐसी हैं. लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो सम इट्स अदर वे अराउंड, क्योंकि वो अगेन एक्सेस की बात है, एक्सेस से इम्पैक्ट की बात है, इम्पैक्ट से फिर यू नो आपका वो ट्रांसलेट होता है आपके जो ओवरऑल ब्रांड के अंदर. तो फिर ये चेंज हो जाती है क्या नाम है सारी डायनामिक्स. लेकिन न्यूज एंकर के हद तक खवातीन जो है, एटलीस्ट दैट्स जो जिस जनरेशन से मैं आई हूँ, सना मिर्जा, जायशा बख्श, नगरीदा फारूकी वगैरह, सो आई थिंक दे वर प्रीटी सॉलिड. दे वर द वन लीडिंग द ट्रांसमिशन, दे वर द वन लीडिंग द बुलेटिन. इट वॉज नॉट द वे अराउंड कि आदमी जो है ये साइड किक है और आदमी सारे काम है. नो नो नो, दे वर द मेन स्टार्स एट दैट टाइम. तो वहां तो फायदा है.
लेकिन ऑब्वियसली आगे जाते हैं जब आप प्रोग्राम एंकर बनते हैं, तो वही मैं जैसे पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि जो आप मुलाकातें नहीं कर पाते, आप वो बॉन्ड्स नहीं बना पाते, तो फिर वो एक तरह से वो रिस्ट्रिक्शन भी है. पर वो कोई फिजिकल रिस्ट्रिक्शन किसी ने ऐसे करके नहीं लगाई है, ये एक सोसाइटी के हमारा एक एक फैब्रिक है जिसके अंदर कुछ खवातीन के लिए वर्क प्लेस में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है वो हमें बता दिया गया, और हमने उसी गैम्बिट के अंदर मूव करना होता है. सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. हाँ, अगर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी खवातीन मुख्तलिफ चैनल्स में अभी भी प्रोग्राम एंकर्स वहां पे मौजूद मेल प्रोग्राम एंकर से भी ज्यादा पैसे लेते हैं, कुछ चैनल्स में ऐसी डायनामिक्स भी हैं. इट डिपेंड्स ऑन के हाउ यू नो हाउ क्या कहते हैं हाउ एस्टैब्लिश दैट वुमन इज. लेकिन यस, प्रिडोमिनेटली आदमियों के लिए ज्यादा इसमें जो है आसानी है एज कम्पेयर टू वुमेन. आदमी जनरली, अगर मैं मुझे आप कहें कि इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा पे चेक कोई फीमेल एंकर लेती है, नहीं, वो मेल एंकर ही लेता. क्या कोई फीमेल एंकर कभी उस पे चेक तक पहुंच पाएगी? इसकी बहुत ही कम लाइकलीहुड है. आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू हैपन. बट यस, अ लॉट ऑफ वुमेन आर डूइंग गुड वर्क, गेटिंग गुड मनी, मेकिंग गुड मनी, बट इट इज नॉट एट पार एट वॉट देयर मेल काउंटर पार्ट आर डूइंग. ठीक है, आखिरी 5 मिनट हैं, कोई फन मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें बिहाइंड द सीन जो कि आपके साथ रह गया आपके दिमाग में थ्रू आउट द करियर। वाह, बहुत सारे हैं. बिकॉज हम जब लाइव ट्रांसमिशंस करते हैं, बहुत रिसेंट है, मैं बिस्किट खा रही थी और मेरे पर कैमरा कट हो गया, और लोगों ने फिर पीएमएलएन वालों ने मेरे खिलाफ कैंपेनें चला दी, देखो एआरवाई वाले मिठाइयाँ खा के एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो लिटरली बिस्किट था. खैर, मैं एंजॉय करती हूँ ऐसी बातों को. मतलब क्या इसमें क्या रोना, इसका मतलब कि एक तो यू रेलिवेंट, लोग आपको देख रहे हैं, ये बड़ी फनी बात थी. और हमारी ट्रांसमिशनों में यार वाई में जनरली वी हैव अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फन. कोई एक मोमेंट हमें पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मजा हम लोग करते हैं. बट ये बिस्किट वाला मुझे एकदम से याद आ गया, बिकॉज उसके बाद बकायदा कैंपेनें चली कि देखें यार वाई के दफ्तर में जश्न और वो मिठाइयाँ खा रहे हैं. फिर मैंने तस्वीरें भेजी, जी बिस्किट है, सब कुछ है, लेकिन चलो, गुड लाफ, गुड फन, इट्स ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मारिया, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आई होप कि हमारे पास ज्यादा टाइम होता है, हम इसको और फर्दर डिस्कशन करते हैं, बट होपफुली इसका हम पार्ट 2 करेंगे एंड हम आपको दोबारा थैंक करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू, दा हाफिज। थैंक यू सो मच मारिया फॉर योर टाइम। सो दिस वाज टुडेज एपिसोड ऑफ हसूटी टॉकीज। इफ यू लाइक दिस कॉन्वर्सेशन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। डू शेयर विद योर फीडबैक विद अस इन आर कॉमेंट सेक्शन एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज। Thank you.